नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं तो कोलकाता विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं अमित बिदुली जी, से सीधी बात करेंगे। अमित जी, आपका स्वागत है सर स्टार सिटी न्यूज़ में। आपका जो जुड़ाव जो हुआ आम आदमी पार्टी में, आपका जो आना हुआ, कैसे आना हुआ और कब से जुड़े हैं आप? मैं स्वागत करता हूँ और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करता हूँ, और जो आपने हमारा इसलिए इंटरव्यू लिया। जी सर, हम 2013 आई थिंक जून में मैंने पार्टी में मेंबरशिप ली थी। ओके। और तब से ही मैं एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं सर सही राम पहलवान जी, जी उनका आज सेकंड टर्म में 7 साल हो चुके हैं। हाँ जी। कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए अपने विधानसभा में सर? उनका डेवलपमेंट मैं कहूँ तो शायद इससे पहले जो 2 बार विधायक है, 3 बार जो भी रहा हो, उनके मुकाबले तो बता ही नहीं सकता कि उन्होंने, अभी जो प्रेजेंट विधायक है हमारे श्री सहीराम जी, उन्होंने हमारी इस विधानसभा में इतना काम किया है जिसकी अगर हम बताएं ना, अगर मैं बैठूं बताने तो आप बहुत टाइम लग जाएगा। अगर शॉर्ट करके बताऊं तो काफ़ी ठीक डेवलपमेंट। हाँ, तो कोलकाता विधानसभा में जो पानी की काफ़ी समस्या रहती थी, आज के क्या हालात है पानी की? पानी की हालात आज की मैं आपको बताऊं कि पूरे तुगलक विधानसभा में पानी की हमारे यहाँ कमी नहीं है। लोग इतने परेशान थे, पहले टैंकरों पे रात में जागते थे पानी के लिए, एक दिन झुक के, एक दिन उसकी गली में, एक दिन उसकी गली में, उसके चक्कर में झगड़े। और हमारे तुगलकाबाद में, पूरी दिल्ली में मैं समझ रहा हूँ, तुगलकाबाद विधानसभा में सिर्फ जो बीजेपी वाले MLA रह चुके पहले, उन्होंने सिर्फ पानी की राजनीति करी। श्री सहीराम पहलवान जी विधायक जी ने पानी की राजनीति जड़ से उखाड़ के ख़त्म कर दी। आज से 10 साल पहले वो वादा करते थे कि हम पानी लाते हैं गांव में, वो अपने गांव में पानी ले पाए, जबकि सहीराम पहलवान जी ने हर पूरे तुरंत गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, घर घर तक पानी पहुंचाया। उनकी पानी की राजनीति बिल्कुल ख़त्म कर दी। अच्छा, जैसे सर लगातार जैसे रिजर्व सीट थी, अब जैसे MCD की जो आरक्षित सीटों पर जो बदलाव हुआ है, कुछ सीटों पर जनरल हुई हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे आप सर? बहुत अच्छे के लिए है चुनाव अपना काम करने के लिए इन्होंने, क्योंकि हमारे यहीं देख लो, पहले हमारे यहाँ पे 3 सीट थी, जैसे हरकेश नगर वार्ड 92S पहले वो रिजर्व थी 1500 साल से, 3 योजना वहाँ से ऐसी थी, और जो हमारे तुगलक गाँव से जो अपनी सीट थी ये पहले लेडीज जनरल थी, पुल बेलातपुर तरफ SC जनरल थी, तो तीनों को अब ठीक सीट कर दिया, जनरल कर दिया तीनों। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, इससे जो आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं, अगर जनरल को मौका मिलता है तो कैसा यहाँ का रुझान देखने को मिलेगा? ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कह सकते कि कैसा रहेगा जैसा पहले था, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा पहले में रम में थोड़ा सा चुनाव जो जनरल लड़ेंगे वो अलग तरीके से, जैसे वो अलग, सबके अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तरीके से लड़ेंगे, लेकिन ठीक है चुनाव होगा। क्या एजेंडे रहेंगे इस बार अमित जी चुनावों में? चुनावों में एजेंडे सबसे बड़ी बात तो ये रहेगा, जो 15 साल से MCD दिल्ली में है, जितना घोटाला, काम ना करने के तरीके, उससे अब जनता बिल्कुल परेशान हो गई है। तो क्या बदलाव देखा जाएगा अगर MCD में आम आदमी पार्टी आती है? सबसे बड़ा बदलाव तो ये आएगा, जो पीछे वाले पार्षद थे जितने दिल्ली में BJP के, वो कोई काम के, मतलब कि किसी को काम के लिए बोले तो काम हो ही नहीं सकता था उनसे, यार काम करते ही नहीं थे, एरिया में ही नहीं घूमते थे कोई भी। हमारे तीनों वार्डों में ले लो आप, मैं आपको हरकेश नगर वाले वार्ड में कहूँ, जो हमारे पार्षद जी थे वो 5 साल तो नजर ही नहीं आए कहीं भी। इससे पहले जो सहीराम जी थे पार्षद बने, वो गलियों में जा जाके, खुद जा जाके नालियां खड़े होकर साफ कराते थे। अच्छा। और अभी के पार्षद 5 साल नजर ही नहीं आए तो काम कैसे होगा? जब तक खुद बंदा खड़ा नहीं होकर सफाई कराएगा, ध्यान नहीं देगा, तो होगा ही नहीं काम। ये लोग तो नजर ही नहीं आए 5 साल, मुझे पता, कुछ दिन अगर और अगर टाइम होता तो मेरे ख्याल से जनता ही पोस्टर लगा देती कि लापता पार्षद। तो जनता क्या चाहती है इस बार, आप जा रहे हो लोगों के बीच में मिल रहे हैं? जनता का देखो दोनों है कि देखो, जैसे कि अपना विधानसभा में दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो वो चाहती है कि MCD में भी आम आदमी पार्टी आए। तो वार्ड आपका जो लगता है हरकेश नगर, यहाँ से कोई ऐसा कैंडिडेट है जनरल में आम आदमी पार्टी से? अभी देखो पार्टी ने कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया है, और पार्टी शायद जिसे डिसाइड करेगी अच्छा ही करेगी, और हम सब एक वॉलंटियर बन के उनका काम करेंगे और जिताने की पूरी कोशिश करेंगे, जिताएंगे भी। क्या इस चुनाव के दौर में रहेंगे अमित जी आप? रह सकते हैं बिल्कुल, क्या दिक्कत है। मगर यहाँ का टोटल जो जाति समीकरण सर, कौन से समाज के लोग हैं यहाँ से? सभी समाज के लोग हैं हमारे, SC कास्ट के भी है, बाकी गुर्जर समाज के भी है, यादव समाज के, पूर्वांचल भी है, मतलब ठीक सब नॉर्मल, सभी के, ऐसा नहीं कह सकते कि एक कास्ट के ज़्यादा हैं। और एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप सर, एक छोटा सा जनता को आप कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि अपने सारे दिल्ली वासियों को
कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को आपने विधानसभा में केजरीवाल साहब को जिता के एक अच्छी जगह भेज के अच्छे काम के निर्णय लिए, तो वही मैं चाहूँगा कि एमसीडी में भी पूरी आम आदमी पार्टी आए, जिससे कि हमें काम करने में आसानी हो, साफ़ सफाई में अच्छी सुविधा हो, लोगों के साथ खड़े होने काम करने में मज़ा आए। ज़्यादातर दिल्ली में एमएलए आम आदमी पार्टी के पार्षद भी होंगे, तो काम अच्छे होंगे और ठीक होंगे। हरकेश नगर वार्ड से सुभाष पहलवान जी आम आदमी पार्टी से, इनसे आज मौके पर सीधी बात करें। जो विधायक हैं सर अपने तुकलकाबाद से, सहीराम पहलवान जी हैं, सेकेंड टाइम जीते हैं यहाँ से। तुकलकाबाद का जो हरकेश नगर वार्ड है सर, क्या क्या यहाँ के लिए डेवलपमेंट किए, यहाँ के कुछ बहुत सी कॉलोनियाँ कैंप लगते हैं यहाँ पे? एक कॉलोनियों में बहुत काम किया पहलवान जी ने, जैसे बोरिंग का, पानी की सुविधा, शौचालय, मोहल्ला क्लिनिक और काफ़ी काम किए हैं। तो कितने कैंप लगते हैं आपके हरकेश नगर में? हरकेश नगर वार्ड में काफ़ी कैंप हैं, होंगे 10-15 कैंप होंगे। इंदिरा कैंप है, संजय कॉलोनी है, न्यू संजय कैंप है। उन कैंपों के लिए क्या किया विधायक साहब ने सर? विधायक साहब ने एक तो वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक और शौचालय की सुविधा जी, और आपका ये रोड वोड जो भी है, सीवर पानी का सब सुविधा दी है। हाँ, बिल्कुल व्यवस्था बहुत बदली है। ओके। पहले जो एमएलए थे यहाँ के, उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया यहाँ पे, जब से आम आदमी पार्टी बनी, जब से आम आदमी पार्टी आई है यहाँ पे बहुत काम हुए हैं, बहुत डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे जी। अच्छा, जान लेते सुभाष जी, अब जैसे कि चुनाव है एमसीडी 2022 में, 15 साल भाजपा दिल्ली में रही है जी, और आने वाला जो समय क्या चाहती है जनता का, क्या मूड है इस बार? जनता जी, भाजपा में करप्शन इतना है, और आप खुद भी निरीक्षण किया, हरकेश नगर निरीक्षण किए, काफी क्षेत्र घूमे हो आप भी, बिल्कुल बिल्कुल सर। वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। निगम पार्षद कौन है यहाँ के? ये यहाँ के निगम पार्षद है टुंडेलकर जी, विनोद टेंडुलकर जी। 5 सालों में खड़े नहीं उतरे जनता के लिए? बिल्कुल नहीं। और काफी साल से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ जी, कम से कम 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ क्षेत्र में। और कोरोना काल में मदद आपकी रही हो? हाँ बिल्कुल, कोरोना काल में मदद, मैं 2-3 महीने से ज्यादा साल भर से मैं अपने। तो जैसे यहाँ से कैंडिडेट कौन है सर आपका आम आदमी पार्टी से, जो चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ? देखो जी, वो पार्टी बताएगी या हमारे विधायक चौधरी सहीराम पहलवान जी बताएंगे। तो क्या आप इस चुनाव के दौर में आप इच्छुक रखते हैं? आप बिल्कुल इच्छुक रखते हैं जी। तो कैसे आप लोगों को जोड़ रहे हैं, आप जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं? लोगों से अपनी पार्टी की नीतियाँ बता रहे हैं, पहलवान जी जो काम किए हैं वो बता रहे हैं। इसी ऑफिस से पब्लिक के बीच में रहा हूँ, और जहाँ कोई कमी हो, खाना वाना पहुँचाना, जैसे किसी गरीब आदमी को कुछ सामान ना मिलना, हर चीज़ पहुँचाया, राशन पहुँचाया घर सबके। तो ये हमारी सीधी बात सुभाष पहलवान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।